शिकायतें मिलती हैं कि अनुराग जी यहाँ नहीं आ पाते। आप सोच नहीं सकते कि अनुराग जी को कितनी सारी जिम्मेदारी है, और जो मैं बता रही हूँ ना कि मैं मुझे कार्यक्रम दिया है वही अनुराग जी को दिए है, और मुझसे ज्यादा पार्लियामेंट उनको दिया है क्योंकि वो मंत्री है। तो वो बेचारे महाराष्ट्र भी जाते हैं, राजस्थान भी जाते हैं जहाँ चुनाव होने वाले, मध्य प्रदेश भी जाते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, अभी दो दिन पहले वो यहाँ आए थे शायद, लेकिन पीएमओ से फोन आ गया कि मैं अमरीका के दौरे पर हूँ, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के तहत के नाते आपको दिल्ली में रहकर मीडिया को आपने सारी बातचीत करनी है, पक्ष रखना है भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का, तो उनको कार्यक्रम छोड़ के बीच में जाना पड़ा। उनकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी हो गई, जो सांसद की जिम्मेदारी इतनी है, भाजपा के एक बूथ स्तर के अध्यक्ष को इतनी जिम्मेदारियां दी है, तो सोचो एक मंत्री कितना बेहतर। इसलिए ठीक कहा सुमित जी ने कि आप सबको अनुराग ठाकुर बनना पड़ेगा, आप सबको नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा और घर घर जाना पड़ेगा। आप सबको पता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर जब उन्होंने वोट दिया था, इस मूल मंत्र पर चलते हुए चलने का जो एक वायदा किया था, और इस मूल मंत्र पर चलते हुए 9 वर्ष में देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर समुदाय, हर व्यक्ति के विकास की गाथा तो लिखी लिखी है, लेकिन देश के विकास की जो गाथा लिखी, देश को विकास के नए आम पर ले जाने का जो कार्य किया है, अभूतपूर्व प्रयास किया है, उसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस मंच से साधुवाद देते हैं। और जब हम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ये 9 वर्ष कहते हैं, तो सचमुच में ये 9 वर्ष गरीब के कल्याण और उत्थान के रहे हैं, ये 9 वर्ष मध्यम वर्ग की रोजमर्रा की सुविधाओं, उनकी रोजमर्रा की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए उनको सम्मानजनक जिंदगी देने के रहे हैं। ये 9 वर्ष विशेष रूप से मैं हर जगह जिक्र करती हूँ, ये 9 वर्ष महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के रहे हैं। तो जब मैं ये बात करती हूँ तो मैं उस दिन को याद करती हूँ आज भी, जब प्रधान शिकायतें मिलती है कि अनुराग जी यहाँ नहीं आ पाते। आप सोच नहीं सकते कि अनुराग जी को कितनी सारी जिम्मेदारी है, और जो मैं बता रही हूँ ना कि मैं मुझे कार्यक्रम दिए हैं वही अनुराग जी को दिए हैं, और मुझसे ज्यादा पार्लियामेंट उनको दिए हैं क्योंकि वो मंत्री है। तो वो बेचारे महाराष्ट्र भी जाते हैं, राजस्थान भी जाते हैं जहाँ चुनाव होने वाले, मध्य प्रदेश भी जाते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, अभी 2 दिन पहले वो यहाँ आए थे शायद, लेकिन पीएमओ से फोन आ गया कि मैं अमरीका के दौरे पर हूँ, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के तहत के नाते आपको दिल्ली में रहकर मीडिया को आपने सारी बातचीत करनी है, पक्ष रखना है भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का, तो उनको कार्यक्रम छोड़ के बीच में जाना पड़ा। उनकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी हो गई, जो सांसद की जिम्मेदारी इतनी है, भाजपा के एक बूथ स्तर के अध्यक्ष को इतनी जिम्मेदारियां दी है, तो सोचो एक मंत्री कितना बेहतर। इसलिए ठीक कहा सुमित जी ने कि आप सबको अनुराग ठाकुर बनना पड़ेगा, आप सबको नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा और घर घर जाना पड़ेगा। नेशन स्पीक्स, अब बोलेगा हिंदुस्तान।